गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ भारती सिंबवानी फ्रॉम मदरसा मौलाना आजाद अपर प्राइमरी स्कूल। इन आवर प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्नड अबाउट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। देन वी हैव लर्नड बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। आफ्टर दैट वी हैव लर्नड बिगर एंड स्मॉलर नंबर। इन आवर टूडेज टॉपिक वी विल लर्न ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। ओके, कि आपको ये सिंबल्स कब यूज में लेने हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। ओके, लेट्स स्टार्ट और टॉपिक। इधर आपको दो एलिगेटर की पिक्चर्स दे रखी हैं। एक का फेस इस तरीके से ओपन है, ये क्या है, ग्रेटर देन। और एक एलिगेटर का फेस इस तरीके से ओपन है, ये क्या है, लेस देन। ये ग्रेटर देन, ये लेस देन। जहाँ नंबर बड़ा हो वो ग्रेटर देन का सिंबल आएगा, और जहाँ नंबर छोटा हो वो लेस देन का सिंबल आएगा। और अगर सिंपल वे से कहें कि जब भी टू नंबर्स लिखे हो, जैसे यहाँ 3 और यहाँ 2, तो जो भी नंबर बड़ा होता है हम उसकी तरफ क्या करते हैं, अपना माउथ ओपन कर देते हैं। सिमिलरली इधर अगर 4 लिखा हुआ है, इधर 5 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ अपना माउथ ओपन कर दोगे। अगर मैं डिजिट को चेंज कर दूं, यहाँ पर मैं लिखूं 1, यहाँ लिखूं 8, तो आप अपना माउथ कहाँ ओपन करेंगे, 8 की तरफ। जहाँ भी ज़्यादा होता है वहाँ माउथ ओपन होगा। तो ये ग्रेटर देन, और ऐसा सिंबल हो तो लेस देन। ओके, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। अब आपको देखो, इधर कुछ एलिगेटर्स दे रखे हैं और कुछ नंबर्स भी दे रखे हैं। अब इधर है 2, इधर है 4, तो हम क्या लगाएंगे, 2 के आगे लेस देन और इसके आगे ये ग्रेटर देन, ये लेस देन का सिंबल लगा दिया। ठीक है, 2 जो है वो लेस देन है 4 से, 5 ग्रेटर देन 4, 8 लेस देन 9 और 2 इज इक्वल टू 2। ओके, इधर अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ये ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। यहाँ देखो, ग्रेटर देन, यहाँ कितने फिश हैं, 6, और यहाँ कितनी है, 3, तो कौन सा सिंबल लगा, ग्रेटर देन। यहाँ 1 भी है और यहाँ 4, तो कौन सा सिंबल लगेगा, लेस देन, बिकॉज 1 इज़ लेस देन 4। यहाँ कितने बर्ड्स हैं, 5, यहाँ कितने, 5, तो क्या आएगा, इक्वल टू। ओके, कंपेयर द फिशेस। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, एक पॉट दे रखे हैं ना, उनमें फिशेस हैं। एक पॉट में 4 फिश हैं और एक में 2 है, तो 4 इज़ ग्रेटर देन 2। इसमें, इस वाले पॉट में 3 फिश हैं, इसमें भी 3 हैं, तो 3 इज़ इक्वल टू 3। इधर 5 फिश हैं, इधर 6 फिश हैं, तो 5 इज लेस देन 6। हियर 7 फिशेज एंड हियर आर 4 फिशेज, देन 7 इज ग्रेटर देन 4। एक और वर्कशीट हम करके देखते हैं। यहाँ कुछ हेड्स दे रखे हैं, यहाँ 3 हेड्स हैं और यहाँ 4 हेड हैं, देन 3 इज लेस देन 4। यहाँ 5 एप्पल्स हैं और यहाँ 3 मक्स हैं, देन 5 इज ग्रेटर देन 3। या 2 कार्ड्स हैं या 3 बलून्स हैं, देन 2 इज लेस देन 3। हियर आर 3 बटरफ्लाइज एंड 3 बीज, तो दोनों इक्वल है, तो क्या सिंबल आएगा, इक्वल 2। अब आपको इस वाली वर्कशीट में फ्लावर्स के नंबर्स भी लिखने हैं और सिंबल भी लगाने हैं। ठीक है, यहाँ कितने फ्लावर्स हैं, 5, इसमें कितने, 7, तो 5 जो है वो 7 से लेस होता है, तो हम कौन सा सिंबल लगाएंगे, लेस देन। हियर आर 9 फ्लावर्स, हियर आर आल्सो 9 फ्लावर्स, देन वी विल पुट अ सिंबल ऑफ इक्वल टू। हियर आर 6 बेल्स एंड हियर आर 4 बेल्स, देन 6 इज ग्रेटर देन 4। हियर आर 5 बैलून्स एंड हियर आर 3 बैलून्स, देन 5 इज ग्रेटर देन 3। ये सारी वर्कशीट्स मैं आपको PDF के रूप में सेंड करूँगी,
आपको ये वर्क आपकी नोटबुक में करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।